सकते हैं, आपने उसको क्यों निकाला? Our support is not a blank check. Pak Fauj Zindabad, Pakistan Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले आज एक बार फिर से बात करेंगे मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका देने का मुतनाज़ मामला मजीद मुतनाज़ होता जा रहा है, मजीद संगीन होता जा रहा है। अपोजिशन ने आज मुतालबा कर दिया है कि रजाक दाऊद या तो इस्तीफा दें या फिर इस सारे ठेके की रीबिडिंग करवाई जाए। खबर यह भी है कि अपोजिशन इस मामले को लेकर शायद नैब के पास भी जाना चाहती है। कल के खसूसी प्रोग्राम में हमने आपके सामने हकायक रखे थे, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर एविडेंसेज रखे थे कि किस तरह से डेस्कॉन को फेवर करने के लिए कानून से बाईपास किया गया, मुख्तलिफ कवानीन से बाईपास किया गया। आज कुछ मजीद हकायक आपके सामने रखेंगे कि मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका मुतनाज़िया तौर पे डेस्कॉन कंपनी को किस तरह से दिया गया। मोहम्मद डैम पाकिस्तान की तारीख के लिए इंतहाई अहम डैम, पाकिस्तान के आबी वसाइल के लिए और पाकिस्तान की बिजली की पैदावार के लिए और पाकिस्तान में फ्लड्स को रोकने के लिए इंतहाई अहम डैम, जो पहले से ही कम अज़ कम एक दहाई की ताखीर का शिकार हो चुका है, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को कई अरबों रुपये का चूना लग चुका है, कई करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है इस डैम की तामीर में ताखीर के हवाले से। अब खुदा खुदा करके वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में यह डैम तामीर होने के करीब है, लेकिन एक और बहुत बड़ा तनाज़ा जन्म ले चुका है और वो इस डैम की तामीर का ठेका वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद के खानदान की कंपनी को प्रोवाइड किए जाने के हवाले से है। कल हमने प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखी थी एविडेंसेस की बुनियाद पे, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे कि किस तरह से डेस्कॉन कंपनी, जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद का खानदान उसको ओन करता है, उसकी सरबराही करता है, किस तरह से कवानीन को बाईपास करते हुए इस डेस्कॉन को मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका दिया गया। आज कुछ मजीद हकायक आपके सामने रखेंगे कि जो अपोजिट पार्टी थी, जो दूसरा बिडर था FWO प्लस पावर चाइना, उनको किन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दी गई उनकी बिड, वो हकायक आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि कल चेयरमैन वापटा जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने क्या लॉजिक, क्या रीजन दी थी कि डेस्कॉन को क्यों दिया गया है मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका और FWO प्लस पावर चाइना को क्यों नहीं दिया गया। कुछ मजीद हकायक हम आपके सामने रखेंगे कि वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत के खानदान की कंपनी को किस तरह से मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका मिला और दूसरी ऑपोजिट पार्टी को FWO प्लस पावर चाइना को किस तरह से नहीं मिला। कुछ डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने प्ले करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली वही टेंडर है, वही इश्तिहार है जो कि वापडा ने मोहम्मद डैम की तामीर के ठेके के हवाले से दिया था। चेयरमैन वापडा की गुफ्तगू आपने सुनी, वो फरमा रहे थे कि FWO प्लस पावर चाइना को इसलिए ठेका नहीं दिया गया कि उनका पिछला कोई काम 10 अरब का नहीं था, जबकि डेस्कॉन को इसलिए दे दिया गया कि वो 10 अरब तक का काम करते रहे हैं। आपके सामने हम ये इश्तिहार रख रहे हैं, ये जो इश्तिहार आपको टेलीविजन स्क्रीन पे चलता हुआ नजर भी आ रहा है, इसमें कहा गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है JV का, वो या तो 100 अरब का काम किया होगा या एटलीस्ट 50 अरब रुपए का काम उसने किया होगा। इसमें कंसोर्शियम अगर डेवलप होता है तो ये कहती है डॉक्यूमेंट, इश्तिहार जो है वापडा का, कि जो ईच मेंबर है उस कंसोर्शियम का, उसने कम से कम 20% ऑफ द रिक्वायरमेंट, यानी कि 100 अरब का या 50 अरब का 20% के इक्विवेलेंट काम माजी में कंस्ट्रक्शन का कर रखा हो। ये इनिशियल इश्तिहार था वापडा की तरफ से। उसके बाद इस इश्तिहार का एक एडेंडम दिया गया जिसमें कोई अमेंडमेंट की गई कि 20% के बजाय जो रिक्वायरमेंट है उसका 10% भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर पूरा कर देता है तो उसको ये अवॉर्ड कर दिया जाएगा। यानी कि 100 अरब 50 अरब का अगर आप 20% लगाएं तो वो 20 अरब बन गया और अगर उसका 10% लगाएं तो वो 10 अरब बन गया। इसका मतलब ये है कि FWO और पावर चाइना, जिन्होंने अपनी टेक्निकल बिड में अपने क्रेडेंशियल्स में वाज़े कर रखा था कि वो 10 अरब का काम करते हैं, तो वो क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन किन टेक्निकल ग्राउंड्स पे FWO और पावर चाइना को रिजेक्ट कर दिया गया, वो अभी तक
ना तो वापडा ने बताया है, ना ही हुकूमत के किसी ओहदेदार ने बताया कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स क्या थे, जबकि जो इनका अपना वापडा का इश्तिहार है और एडेंडम है उसके मुताबिक FWO और पावर चाइना ने 10 अरब का काम कर रखा था और इसी बुनियाद पे डेस्कॉन को ये मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका दे दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा फाइन पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट, कि जिस बुनियाद पर डेस्कॉन को दिया गया उसी बुनियाद पर FWO और पावर चाइना भी पूरे उतरते थे। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि टेक्निकल बिड में डेस्कॉन ने अपना हेड लॉस नंबर नहीं दे रखा था और पेपरा रूल्स के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी अपना हेड लॉस नंबर टेक्निकल बिड में नहीं बताती तो उसकी फाइनेंशियल बिड नहीं खोली जाती। लेकिन यहां पर क्या किया गया वापडा की तरफ से कि जब हेड लॉस नंबर दिया गया, नहीं दिया गया डेस्कॉन की तरफ से, तो वापडा ने क्लैरिफिकेशन मांगी डेस्कॉन और गेजोबा से कि आप बताइए कि आपका हेड लॉस नंबर क्या है, यानी कि उनको एडेड एडवांटेज, एडेड रूम दिया गया। इसके अलावा जो टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड है डेस्कॉन की, वो वासे करती है कि डेस्कॉन की प्राइस जो PC1 है इस मंसूबे का, मोहम्मद डैम 184 बिलियन का, उससे 36 अरब ज्यादा है, यानी कि ये कौमी खजाने को खसारे में पड़ रहा है। जो डेस्कॉन को बिड दी गई है, गजूबा को बिड दी गई है, 184 बिलियन का PC1 है, उसमें से 36 बिलियन हायर कॉस्ट है डेस्कॉन की। इसमें से इंजीनियरिंग की कॉस्ट निकाल दी जाए, सुपरविजन की कॉस्ट निकाल दी जाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कॉस्ट निकाल दी जाए, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स की कॉस्ट निकाल दी जाए, लेकिन अगर ये सारी कॉस्ट डाल दी जाए तो इस वक्त मोहम्मद प्रोजेक्ट का जो अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड कॉस्ट है वो 309 अरब की है। लेकिन ये सारी कॉस्ट मिला के डेस्कॉन की, ये प्रोजेक्ट कौमी खजाने को 350 अरब का पड़ेगा, यानी कि कौमी खजाने को मजीद महंगा पड़ेगा, मजीद नुकसान पड़ेगा। इसके मुकाबले में खबरें ये हैं कि जो FWO और पावर चाइना की बिड थी वो इससे कई दर्जे कम कीमत पर थी। क्या थी वो कीमत, हुकूमत से जानने की कोशिश करेंगे, उनसे ही सुनेंगे कौन सी टेक्निकल ग्राउंड्स थी जिनकी बुनियाद पे डेस्कॉन को तो दे दिया गया लेकिन FWO को नहीं दिया गया। इसी पर बात का आगाज करेंगे। मेरे साथ हैं विफाकी वजीर अली जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बड़े क्रूशियल दिन पे आज ज्वाइन किया है, बहुत से सवाल आपसे करने वाले हैं। अपोजिशन आपको मालूम ही नहीं है इतने सारे सवालों के, आपके वन बाय वन मुझे नहीं पता, वन बाय वन सारे सवाल आपसे करेंगे, इसके मुझे नहीं पता, आप पूछने चलें। ठीक है, और मेरे साथ हैं जनरल अब्दुल कयूम, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और मेरे साथ हैं नवीद कमर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वजीर खजाना हैं। पीपल्स पार्टी नैब के पास जाने का सोच रही है इस केस को लेके। बिल्कुल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, जाना चाहिए, क्लैरिटी ले लें वो भी किसी, नैब की हुकूमत का, इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी, किसी को इनको जाना है, इनको आपको जाना है, आप भी जाएं, यू शुड गेट क्लैरिटी। मुझे तो इसमें कोई इतराज नहीं है। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रही? देखिए 23 नवंबर 2017 को किसी गवर्नमेंट थी, हमारी थी, हमारी तो नहीं थी क्या? उस वक्त रजाक दाऊद साहब हुकूमत में थे, इलेक्शन भी नहीं हुए थे, उस वक्त हुआ था ये प्रोजेक्ट। अब उसकी क्या टेक्निकलिटीज है, उस वक्त बिडिंग हुई थी ना, बिडिंग सबमिट हुई थी बल्कि, हाँ, तो दैट्स सो बिडिंग सबमिट करने के बाद खुली तो नहीं ना, तो वो दैट्स व्हेन ही वन द बिड, और बिडिंग खुलने का प्रोसेस हुआ, बिडिंग खुलने का प्रोसेस हुआ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट के, तो बिडिंग खुलने का प्रोसेस हुआ, तो बिडिंग खुलने का फाइनेंशियल बिड खोली गई 31 दिसंबर 2018, किसकी हुकूमत थी? ने हमारी, तो किसी ने बिड के अंदर तो पहले से रखी होगी ना, बिड अगर नहीं खुली उससे पहले तो अंदर कोई जादू मंत्र तो नहीं हुआ कि बिड कम होगी ज्यादा होगी, वी डोंट नो, ऐसे तो नहीं हुआ ना। 26 जून 2018 को बिड्स सबमिट हुई थी सर, रजाक दाऊद, ये कोई 40 साल पुरानी कंपनी है, 30 साल पुरानी कंपनी है उनकी, कोई नई कंपनी तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनियों में शुमार होती है इंजीनियरिंग की, वन ऑफ द टॉप टू टॉप थ्री कंपनी। डेस्कॉन के क्रेडेंशियल्स पे कोई सवाल नहीं है, मैं क्लैरिटी दे दूं ना, नंबर टू जो आपने चाइना की जिसकी कंपनी की बात की है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी उन्होंने बनाया, नहीं नॉट पावर चाइना, उनकी किसके साथ हुई है? गजूबा के साथ, गजूबा इज मेड द 3 गॉर्जियस डैम, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, और पावर चाइना ने कितने बड़े डैम बनाए, 23,000 मेगावाट, तो वो डेली, मैं ना उनका स्पोक्स पर्सन नहीं, आई एम जस्ट क्योंकि आपने इतनी टेक्निकलिटीज मारी, आप गजूबा को अगर नहीं, मैं गजूबा को नहीं डिफेंड कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जितनी टेक्निकलिटीज आपने बताई हैं इसके अंदर से पॉइंट्स निकाले हैं, तो मैं जरा ये भी बता दूं कि गजूबा की, जो आपके देखने वालों को नहीं पता गजूबा क्या है, कितने लोगों को पता होगा गजूबा क्या है,
उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये क्या नाम है। सर, हम क्रेडेंशियल से बात ही नहीं कर रहे। सो हम तो बात ये कर रहे हैं कि जो अवार्ड का प्रोसेस, क्रेडेंशियल पे मैंने एक भी बात नहीं की। अभी पूरा आपने टेक्निकल बिट कह रही हूं डेस्कॉन का, तो मुझे तो नहीं पता टेक्निकल बिट क्या है सर। पॉइंट्स देयरफॉर बड़ा सिंपल कर देते हैं इसको। आप कोई और कुछ, आप और कोई चीज निकाले। अगर पीपल्स पार्टी नैब में जाना चाहती है, बिस्मिल्लाह करे, मैं कहता हूँ आप भी जाएं, आप भी जाएं। हमारी इसमें कोई कुछ छुपाने की बात नहीं है। There is nothing to hide. सर, दो बुनियादी पॉइंट है आपसे चले, मैं सियासी सवाल कर लेती हूँ, टेक्निकल सवालात हम जरा दोबारा इसके बाद में कर लेंगे। अब्दुलरज़ाक दाऊद साहब वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत हैं। बिल्कुल हैं। अभी भी प्रोबेबली शेयर होल्डर्स हैं डेस्कॉन के, और अगर इमीडिएटली शेयर होल्डर नहीं है तो उनके साहबजादे की कंपनी है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? दिस इज द बुनियादी पॉइंट सर। बहुत अच्छा सवाल है। मैं स्टॉक मार्केट पर तो खैर ट्रेड नहीं करता, एक जमाने में करता था, तो मैं बड़ी कंपनियों का शेयर होल्डर था, बाजार में मैंने शेयर खरीदे थे। अच्छा, अब्दुलरज़ाक साहब में होते हुए नहीं सर, आई वॉज नॉट एन ऑफिस बेरर, आई वॉज नॉट वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। मैं तो गवर्नमेंट में भी 4 महीने से काम कर रहा हूँ ना, 5 महीने से। पहले तो मैं एक प्राइवेट सिटीजन था, पॉलिटिक्स में जरूर था, बट मुझे गवर्नमेंट से कोई पैसा तो नहीं मिल रहा था। आज भी जो बायदे में पैसा मिलता है वो मेरे ख्याल में उससे कोई कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें कि क्या छोड़ के आते हैं तो ये आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो आप स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर नहीं है। आई कैन, व्हाई कांट आई? अगर मैं हुकूमत में हूँ, मैं कोई, मैं किसी का शेयर खरीदता हूँ बाजार में जाके स्टॉक मार्केट में, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अगर मेरी डिक्लेयर्ड इनकम है, अगर मेरे पैसे वाइट हैं, अगर मैं जाके पेप वो लगता है हमारे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, वो तो आप स्टॉक मार्केट में अगर अकाउंट खोलने भी जाए तो आपको 3 हफ्ते लग जाते हैं जब तक वो आपको क्लियरेंस दे। आप समझते हैं सियासत कारोबार साथ साथ हो सकता है? नहीं नहीं, कारोबार, मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊँ इसका मतलब तो नहीं कि मैं कंपनी के बोर्ड में बैठ जाऊँ। मैं किसी कंपनी की एग्जीक्यूटिव पोजिशन पर तो नहीं हूँ। अगर वो एग्जीक्यूटिव पोजिशन में नहीं और शेयर होल्डर है तो ठीक है, कंपनी प्रोफाइल के मुताबिक अभी भी मैनेजमेंट की पोजिशन होल्ड करते हैं। कंपनी प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने गवर्निंग बोर्ड्स में वो होल्ड करते हैं पोजीशन नंबर 2। उनके अपने खानदान को ये इमीडिएट फायदा होगा, उनके साथ खानदान को फायदा है। तो बिड तो पुरानी हुई हुई है ना, ये तो नहीं हुई कि हमारी हुकूमत आई और हमने बिड की इवैल्यूएशन, बिड की फाइनलाइजेशन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में हुई है। बिड की इवैल्यूएशन, अच्छा मैं, आप मेरी बात सुने, मैं ये एनवेलप बंद करके रख जाता हूँ, आपको बोलता हूँ 1 साल बाद खोलिएगा, अगर ये सील्ड एनवेलप है 1 साल बाद अगर आप खोलें तो वही होगा जो मैं आज लिख के जा रहा हूँ। तो बिट तो नहीं चेंज हुई अंदर से, और किसी को क्लैरिटी चाहिए तो नैब लेकिन बिट को फेवर देने के लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया गया? दैट्स द पॉइंट, क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया गया? सेकंड टेक्निकल ग्राउंड्स पे एफडब्ल्यूओ की बिट रिजेक्ट की गई। एफडब्ल्यूओ कौन है, किसका एफडब्ल्यूओ इदारा आप बताएं? नहीं, किसका है? एफ स्टैंड फॉर व्हाट? फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन हेड करता है इसको, कोई सिविलियन या फौजी? सिटिंग जनरल हेड करता है। Am I right, sir? जी जी। तो वो अगर वो जाए एफडब्ल्यूओ समझती है कि गलत प्रोसेस है उनको शोर करना चाहिए, वो जाएं गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट नहीं करवाएगी क्योंकि सवालात रेज हो रहे हैं। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज द बुनियादी पॉइंट। मेरा सिर्फ ये है, देयर आर टू पॉइंट्स, इस अवार्ड को प्रोसेस किस तरह से किया। देयर आर टू पॉइंट्स। नंबर 1, टेक्निकल पॉइंट्स जो आपने रेज किए, तो टेक्निकल पॉइंट्स के लिए वो टेक्निकल, जब बिड होती है गवर्नमेंट में 2 बिड्स होती है, टेक्निकल बिड और वैल्यूएशन की बिड, फाइनेंशियल बिड। पहले टेक्निकल बिड खुलती है, अगर टेक्निकल बिट में कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए तो हो जाता है। सर, दैट्स अ पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय पॉइंट। एक इजाजत देंगे, सिर्फ एक इजाजत देंगे। मैंने अभी चेयरमैन बाबडा का सुनवाया शॉर्ट, वो कल कह रहे थे कि जी 10 अरब का काम डेस्कॉन ने किया था उनको दे दिया, 10 अरब का काम एफडब्ल्यूओ ने नहीं किया था उनको नहीं मिला, जबकि एफडब्ल्यूओ की टेक्निकल बिट में मौजूद है ये काम, और ये हमने रिक्वायरमेंट, सर ये रिक्वायरमेंट भी हमने दिखा दी, आरएसबी या आरएसपी रिक्वेस्ट, आरएफबी या आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर बिड, उसमें खुद इन्होंने रिलैक्सेशन दी थी कि 10% का काम आप कर दें तो आप ये प्रोजेक्ट ले जा सकते हैं। इसका मतलब है एफडब्ल्यू को जाना चाहिए, फिर दे शुड अपील। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट नहीं करवाएगी, वो भी गवर्नमेंट का ही इदारा है ना, एफडब्ल्यू को बाहर से तो नहीं आया। गवर्नमेंट से मुराद आप लोग नहीं, हां गवर्नमेंट से मुराद वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि उनके मुशीर हैं वो। अगर समझते हैं गवर्नमेंट के अंदर, जैसे नैब भी पाकिस्तान का इदारा है, एफडब्ल्यू भी पाकिस्तान का इदारा है, एफआईए भी पाकिस्तान का इदारा है, असेंबली भी पाकिस्तान की है, हुकूमत भी पाकिस्तान की है, स्टेट भी, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तान की है, अगर किसी को इसके ऊपर शक व शुबात हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है, दे शुड गो एंड डिस्कॉन भी पाकिस्तान की है, अब्दुल रज़ाक भी पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी पाकिस्तान के हैं, वो भी पाकिस्तान के हैं, नवीद कमर भी पाकिस्तान के, आप भी अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं भी पाकिस्तान का, एब्सोल्युटली सब पाकिस्तान के, लेकिन सियासत में होते हुए सर हम प्रॉफिट तो नहीं लेंगे ना। प्रॉफिट की देखिए, आप अगर उन्हें बाद में किया होता ना, इफ इट वॉज आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर टेकिंग चार्ज, मैं खुद कह रहा होता कि गलत किया है, मैं तो अभी भी डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये, मैं नहीं डिफेंड कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर किसी को नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आप समझते हैं इस मामले की तहकीकात, मैं अगर आप बात खत्म कर रहे हैं तो फिर मैं, वरना मैं आपकी बात में बोलता रहूंगा।
उनकी बात नहीं बोलता रहूंगा. लेट मी फिनिश व्हाट आई हैव टू से, सो क्लैरिटी हो जाए. आपने अपनी बात कर दी. मैं क्या कह रहा हूं, नंबर वन, द बिड्स वाज़ बिड सबमिट हुई थी वे बिफोर, एक साल पहले आज से खुली. अब है हमारी हुकूमत में अंदर तो कोई चीज एनवेलप के अंदर कोई जादू मंत्र तो नहीं हुआ कि वो कम हो गई ज्यादा हो गई. टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो अगर किसी को इस पे कोई समझता है कि टेक्निकल इश्यूज में कोई देयर इज सॉर्ट ऑफ कोई इश्यूज हैं, दे कैन गो एंड गो टू द अथॉरिटीज एंड डू व्हाटएवर दे फील इज राइट. इसमें कोई मैं तो रुकावट नहीं बन रहा हूं. मैं तो डिफेंड में नहीं कर रहा, करें अच्छी बात है, क्लैरिटी हो जाएगी. जहां तक उनकी, अगर वो बाद में करते, मैं अगर आप कोई कंपनी खोल दूं अपने भाई चाचे मामे के नाम पे, किसी दोस्त के नाम पे, और मेरी टाइम के अंदर कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट विन कर लूं, फिर आप मुझे उठा के जेल में डालें बगैर नैब केस के डाल दें, ये मैं आपसे कह रहा हूं. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आप चूंकि हुकूमत के हैं इसलिए मेरे ज्यादा सवालात आपसे थे सर. जनाब अब्दुल करीम साहब डिस्टर्ब कर सकते हो बीच पे जैसे मुझे. नहीं, एब्सोल्युटली करें, एब्सोल्युटली करें सर. आपका राइट है. नवीद तो हमारे, नवीद भाई तुम्हारे दोस्त हैं, नवीद कमर, नवीद कमर साहब वेलकम कर रही है गवर्नमेंट के. आप लोग नैब में चले जाएं ये मोहम्मद डैम की तामीर का मुतनाजा ठेका लेकर. देखें, इतनी जो आर्गुमेंट आपकी हुई है बैक एंड फोर्थ, बात सीधी सीधी है. बिडिंग प्रोसेस जब भी स्टार्ट हुआ हो, जो तनाजा खड़ा हो रहा है वो तो ए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द सेकंड बिडर की बात हो रही है, जो कि बाद में हुआ है. अजय अमन बाबडा के कहने के मुताबिक वो अगर, या तो उन्होंने एफडब्ल्यूओ ने झूठ लिखा है, अगर झूठ नहीं लिखा है तो फिर दे हैव एवरी राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिड एज मच एज डेस्कॉन डज. तो जाहिर है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो आया है. अब कितने हद तक आया है ये बैठ के जहां बाकी लोगों को घसीटा जाता है तो वहां इनको भी तो कम से कम बिठा के पूछा तो जाए. अब आप देखें, आप वो कहते हैं रजाक दाऊद साहब कि मैं अब आई एम नो लॉन्गर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, लेकिन वो पॉइंट ये है कि आप जाके अपने बेटे के नाम पे कर दें. वो मतलब मुझे नवाज शरीफ साहब और उनके बेटों का की बात याद आती है, मुझे साद रफी की याद आती है, ये दोनों जेल में पड़े हुए हैं. नवीद भाई, अगर आप अगर ये कंपेयर उससे करने लग गए तो मतलब ये तो ना करें ना. आपको मैं कह रहा हूँ, आपने अगर मैंने तो अभी बोलना शुरू किया. अच्छा, मैंने अभी बोलना, प्लीज हियर मी आउट. मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्म्स लेंथ हम बात कर रहे होते हैं कि मैंने अपने बेटे को दे दिया, पर ये तो फिर आप या तो एक सिंगल वो लगाए ना यार्ड स्टिक, तो फिर तो सभी इसमें आते हैं. लेकिन नहीं तो फिर ये बेनामी ट्रांजैक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं होता. व्हेन वी पास ऑन टू सच ए क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली, ये ज्यादती है कहना कि हम उससे दूर हो गए. यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ इट. अब सवाल यह कि इन्फ्लुएंस कितना यूज हुआ कितना नहीं हुआ. एफ डब्ल्यू अच्छी खासी पावरफुल कंपनी है सर. ये उसके बावजूद अगर यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं फिर वहां से डिस्कशन आप कंटिन्यू करिएगा कि मेंबर वाटर मेंबर पावर ये मौजूद नहीं थे वापडा में. और ये दोनों वो लोग होते हैं अली जैदी साहब जो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करने में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. मेंबर वाटर मेंबर पावर कोई फुल टाइम नहीं था सर, आपके लिए कोई मसला ही नहीं. वो तो गरीदा आप देखेंगे, जीएम हाइड्रो प्लानिंग भी नहीं थे और जीएम थिंग्स विल कम आउट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सेल भी नहीं थे, एडहॉक बेसिस पे लगा. मैं तो बड़ा क्लियर हूं, अगर गलत हो तो कैंसिल कर दें. जितना इदारे हैं ना, दैट्स इंपॉर्टेंट. अरे अगर प्रोसेस फॉलो नहीं किया, इफ द प्रोसेस इज, नवीद भाई एक सेकंड, मैं इसको सिंपल कर दूं. अगर प्रोसेस फॉलो नहीं किया, देयर आर कोर्ट्स इन दिस कंट्री, देयर आप कैंसिल कर दें, दूसरे दोबारा कराने, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे. मैं तो बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं. दैट्स अ लॉजिकल थिंग सर. जी नवीद कमर साहब, फिर जनाब अब्दुल करीम साहब से सवाल. ठीक है, प्रोसेस को ऑब्वियसली वी विल हैव टू लुक थ्रू इट. लेकिन जहां हम ये बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, आप ये मुझे बताएं, आर्टिकल 63 किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को यहाँ मेंबर होने से रोकता है कि अगर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हो तो ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड. बिल्कुल ठीक है. हाउ इज इट मेंबर ऑफ कैबिनेट जो है वो तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता. तो भाई क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कैबिनेट कम्स फ्रॉम विद इन पार्लियामेंट, सिर्फ 5 एडवाइजर्स होते हैं, तो उन पे भी वही कदगन लगती है
जो कि किसी मेंबर पार्लियामेंट पे लगती सर, है। पीपल्स पार्टी ने तो ये भी मुतालबा कर दिया है, फैसल कुंडी साहब ने मुतालबा कर दिया है कि चीफ जस्टिस इस पे सू मोटो लें। आपके टाइम से नहीं ले रहा, जनरल साहब के टाइम से। 3 सेकंड, टेक चेयरमैन वापडा ऑनलाइन राइट नाउ एंड आस्क हिम दिस क्वेश्चन। आस्क हिम, आई आस्क्ड हिम यस्टरडे। आप अभी लाइव प्रोग्राम में पूछे ना, प्राइम मिनिस्टर बैठम बलान से पूछे, जो आप सवाल पूछे उनसे कि वो मिलान चेयरमैन वापडा साहब को हमने कल चेयरमैन वापडा से रिक्वेस्ट की कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। आप चेयरमैन वापडा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं तो मजीद आने की जरूरत नहीं है शायद, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सेटिस्फाई ना कर सके, ना कर सके हूं आपको चेयरमैन, आपको उन्होंने कभी काम नहीं किया, जबकि डॉक्यूमेंट शो करते हैं कि उन्होंने किया, तो ऑब्वियसली टेंडर मौजूद है वापडा का, जिसमें खुद एडेंडम के जरिए उसने कहा कि ये 10% आप रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं। जवाब दो कि हम सब सर सॉरी। देखिए बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन मैंने सुनी है और इससे बेनिफिट कर रहा हूँ। मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि हमारी ये बदनसीबी है कि मुल्क के अंदर डैम्स नहीं हैं, और जब हम एक डैम को शुरू कर रहे हैं तो इसके ऊपर ये तनाज़ा है। अनेस्ट टू गॉड, मैं मेरी सोच उस तरफ जाती है, हमने नंदीपुर में नुकसान उठाया, नीलम झेलम लंबा हो गया, लोहारी टनल, I tell you, yeah, they are colossal losses to the state. तो इसलिए एक तो ये बात है, ये हम सब पे कॉमन है। नंबर टू बात, रजाक दाऊद साहब एक ऑनरेबल बंदे हैं, आई नो, आई हैव नो डाउट्स इन दैट। उन्होंने जब बिड दी तो उस वक्त वो हुकूमत में नहीं थे, एब्सोल्युटली, इसलिए कोई सवाल तो भी नहीं उठा। इसलिए कोई सवाल नहीं उठा, वो आए या और लोग आ जाए, लेकिन अब जब वो प्रोसेस हो रहा है तो हुकूमत में आ गए हैं और की पोस्ट पे आ गए हैं और सी पैक से डील कर रहे हैं और उसके ऊपर वो इतराजात भी करते रहे हैं, तो एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो चुके हैं वो, तो ऐसी सूरत में आई थिंक ऑनरेबल वे यही था कि वो इससे अलग हो जाते, कहते कि जी हम, मैं चूंकि अभी आप इसका पार्ट बन गया हूँ तो इसलिए मैं या मेरी फैमिली इस कारोबार को ओन करती है, तो करती है। आई थिंक जो है ना, डैम बनाना मोर इम्पॉर्टेंट है दैन हिज बिकमिंग द एडवाइजर। तो मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं कहता यार एडवाइजर से छुट्टी, मैं आपको अल्लाह के करम से अच्छा डैम बना के दूंगा, लेकिन चूंकि मैं चाइनीज से डील भी करता रहूं, आई नो चाइनीज के पास जो नो हाउ है, आज उनके पास को 82,000 डैम्स हैं और 3 गॉर्जियस डैम की अभी अली भाई ने बात की है, वो भी उन्होंने बनाया, उनके पास बड़े बड़े लोग हैं, एंड आई एम सरप्राइज के वो मुकाबला पाकिस्तानी फॉर्म का नहीं कर सके, बट इट इज अ क्रेडिट टू आवर ओन फॉर्म। साथ हैं वो पार्टनर है इनके इसमें, नहीं FWO और चाइनीज, नहीं वो चाइना पावर अलग है, वो पावर चाइना पावर FWO के साथ, और यहां पर गेजुबा का गेजुबा जो है वो इसकी पार्टनर, वो इनके साथ है, इनके साथ जो दोनों चाइनीज हैं, गेजुबा को डिफेंड कर रहे हैं डेस्कॉन के साथ, उस तरह आप पावर चाइना को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। पावर चाइना को मैं, भाई मैं ना गेजुबा को डिफेंड कर रहा हूं ना पावर चाइना, मैं चाइना कह रहा सर दोनों के दफ्तर गया था, दोनों बहुत बड़ी कंपनी है, गेजुबा अगर भी है ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन द पॉइंट इज कि ये चीज जो रजाक दाऊद साहब वाली है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने कहा कि आप एडवाइजर होते तो आप साइड पे हो जाते, अली जैदी साहब, दिस इज द फाइन, तो बड़ा सिंपल बात कर रहा हूं कि अगर प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, इज दैट सिंपल। अच्छा, प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो इन्वेस्टिगेट होगा ना, अली साहब रोक सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं मैं इनिशिएट कर दूंगा अगर प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो, लेकिन मेरा कहने का मकसद है जो जनरल साहब ने कह दिया है कि पहले रजाक दाऊद साहब स्टेप डाउन कर जाएंगे, रजाक दाऊद साहब आएंगे वापस मुल्क से बाहर आएंगे तो अपना फैसला कर लेंगे, आप क्या समझते हैं उनको स्टेप डाउन, मैं क्यों समझूं उनकी तरह से, वो समझे खुद, जो आपकी ذاتی رائے کیا, मेरी ذاتی رائے को छोड़ देना, डजंट मैटर, मेरी जाती राय नहीं होती, व्हेन आई एम फेडरल मिनिस्टर कोई जाती राय नहीं है, जो भी मैं कहूंगा वो इट इज रिकॉर्ड, पॉलिसी बन जाएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी बन जाएगी, मैं जाती राय दूं, मैं आपको जाती राय नहीं, मैं आपको ऑफिशियल राय दे रहा हूं। चलिए अगर प्रोसेस हैज नॉट बीन फॉलोड, मेरी मेरे मामे की कंपनी तोड़ी है, गवर्नमेंट इनफैक्ट, गवर्नमेंट की भी नहीं, पाकिस्तान की बात सोचे ना यार, एब्सोल्युटली, अगर अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली बोले कि अगर आप इफ यू आर राइट फॉर्चुनेटली, अगर ठीक है अनफॉर्चुनेट फॉर गजूबो और रजाक दाऊद साहब की कंपनी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए इसमें दो एस्पेक्ट है ना, एक तो अगर फॉलो नहीं हुआ तो देयर इज नो क्वेश्चन,
دین تو آبویسلی جو ملک کے ادارے ہیں وہ تو کریں، لیکن اگر فالو ہوا بھی ہے تو پھر بھی کلیش آف انٹرسٹ کی چیز کو تو